भाजपा की राष्ट्रीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर गणेशी लाल बने उड़ीसा के राज्यपाल। समर्थकों में खुशी की लहर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ढोल लगाड़ों की तार पर झूमे समर्थक। प्रोफेसर गणेशी लाल ने जताया प्रधानमंत्री मोदी का आभार, कहा केवल भाजपा ही दे सकती है सामान्य आदमी को बड़ा पद। केंद्र सरकार के 4 साल को बताया शानदार। आध्यात्मिक दिशा देकर संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखना रहेगी उनकी प्राथमिकता। देखिए सुरेंद्र भाटिया व अमर सिंह की ये रिपोर्ट। भाजपा की राष्ट्रीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर गणेश लाल को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नियुक्ति का समाचार मिलने पर उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व ढोल लगाड़ों के तार पर झूमकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर प्रोफेसर गणेशी लाल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और कहा कि एक साधारण परिवार के मुनीम के बेटे को राज्यपाल बनाकर प्रधानमंत्री ने सिद्ध कर दिया है केवल भाजपा ही एक सामान्य आदमी को बड़ा पद दे सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार के 4 साल को शानदार बताया और कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी अपने दायित्व को देश की गरीब जनता के लिए काम कर रहे हैं और राजनीति भी आध्यात्मिक दिशा देकर काम कर रहे हैं, वे इसी तरह पर संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए काम करेंगे। हम आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर गणेश लाल अपने युवक काल से ही ABVP और संघ से जुड़े रहे हैं। सन 1996 में वे सिरसा विधानसभा से विधायक चुने गए थे। तब उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण दास अरोड़ा को 3,800 वोटों से हराया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी वे संभाल चुके हैं। इसके अलावा उन्हें भाजपा की झारखंड इकाई के सह प्रभारी का पदभार भी दिया जा चुका है। वर्तमान में वे भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। उन्हें उड़ीसा जैसे महत्वपूर्ण राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए जाने से हरियाणा भाजपा और सिरसा के नगरवासियों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की ये विशिष्टता है कि अति सामान्य अति साधारण परिवार। मेरे पिताश्री ने 40 वर्षों तक यहीं मुनीमी का काम किया है, यहीं आपके सुभाष चंद्र चौक, सुभाष बोस के पास, पंजवानों वालों की दुकानों पर, सेठों के पास काम किया है। रिड़ते रिड़ते हम पढ़ते पढ़ते जैसे अति सामान्य परिवार का एक बच्चा होता है, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी उसके तत्व दर्शन के साथ घुलने का, मिलने का, समझने का प्रयास किया है। उसी प्रयास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के और भारत माता के वरद पुत्रों के आशीर्वाद से मुझ जैसे अति साधारण व्यक्ति को इस लायक समझा गया। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की, जिसको आप कह सकते हैं, दैवीय प्रकाष्ठा है, डिवाइन है ये। और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। जहाँ तक 4 साल वर्ष पूरे होने को है, तो आज दुनिया के लोग हैरान है और भारत की जनता हैरान है। आप गांव में जाएंगे, पूछेंगे उज्ज्वला योजना कैसी योजना, टॉयलेट की योजना, स्वच्छ योजना, यानी आम गरीब आदमी, मेरे देश की माता बहन, उसकी अस्मिता बरकरार रहे। मुद्रा बैंकिंग योजना, 10 करोड़ लोगों के पास, 31 करोड़ लोगों के जनधन योजना में अकाउंट्स, हिंदुस्तान के पूरे का पूरा बजट का फोकस अगर है तो गरीब और किसान और मजदूर पर है। एक नए भारत का सृजन होने जा रहा है, किसान की कुटिया से, मेहतर माली मजदूर महार की झोंपड़ी से, ऐसा एक भारत का निर्माण करने का प्रयास देश के माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और यही प्रयास कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स के माध्यम से भी एक आध्यात्मिक प्रयास, राजनीति को स्पिरिचुअलाइज करना, आध्यात्मिक दिशा देना, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री दे रहे हैं। मुझे लगता है राज्यपाल का भी यही दायित्व होता है।